ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से कर्मचारी क्रमिक अनशन पर है। हर जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों द्वारा रोजाना 4 से 5 कर्मचारी क्रमिक अनशन कर रहे हैं। वीरवार को भी जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों द्वारा अपना क्रमिक अनशन जारी रखा गया। 12वें दिन इस अनशन में न्यू पेंशन कर्मचारी संघ ब्लॉक नौनी के कर्मचारी विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान नौनी ब्लॉक से आए कर्मचारी राजेंद्र कटोच ने कहा कि अपने बुढ़ापे को ध्यान में रखते हुए वे लोग लगातार ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं और उनकी एकमात्र मांग सिर्फ ओपीएस ही है, लेकिन सरकार इसके और ध्यान देने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि अगर अभी सरकार इस और ध्यान नहीं देती तो विधानसभा चुनावों में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर वाईएस कुमार नौनी यूनिवर्सिटी से आए हैं सर, और हमारा ब्लॉक नौनी है और हम ओपीएस बहाल करने के विषय में सोलन में इकट्ठे हुए। गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें अपने कार्यकाल में हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ताकि हम आप लोगों की सपोर्ट में गवर्नमेंट के साथ हम एकजुट होकर हम आपकी सरकार के साथ कार्य करें। तो हमारा तो एक मकसद होता है कि हम अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के आगे समक्ष रखेंगे, बाकी गवर्नमेंट का देखते हैं, हम उनसे बहाल भी करवाएंगे, हम ओपीएस को बहाल भी करवाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हम उनसे जैसे न कैसे हम अपनी सरकार से इसको बहाल जरूर करवा के हटें, एनपीएस को हटा के हमारे को ओपीएस लागू की जाए। चलो हमारा तो ऐसा है कि हम अभी तक लास्ट अंतिम समय तक भी हम गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनसे हम अपनी ओपीएस को बहाल करवा के हटेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से कर्मचारी क्रमिक अनशन पर है। हर जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों द्वारा रोजाना 4 से 5 कर्मचारी क्रमिक अनशन कर रहे हैं। वीरवार को भी जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों द्वारा अपना क्रमिक अनशन जारी रखा गया। 12वें दिन इस अनशन में न्यू पेंशन कर्मचारी संघ ब्लॉक नौनी के कर्मचारी विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान नौनी ब्लॉक से आए कर्मचारी राजेंद्र कटोच ने कहा कि अपने बुढ़ापे को ध्यान में रखते हुए वे लोग लगातार ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं और उनकी एकमात्र मांग सिर्फ ओपीएस ही है, लेकिन सरकार इसके और ध्यान देने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि अगर अभी सरकार इस और ध्यान नहीं देती तो विधानसभा चुनावों में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर वाईएस कुमार नौनी यूनिवर्सिटी से आए हैं सर, और हमारा ब्लॉक नौनी है और हम ओपीएस बहाल करने के विषय में सोलन में इकट्ठे हुए। गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें अपने कार्यकाल में हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ताकि हम आप लोगों की सपोर्ट में गवर्नमेंट के साथ हम एकजुट होकर हम आपकी सरकार के साथ कार्य करें। तो हमारा तो एक मकसद होता है कि हम अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के आगे समक्ष रखेंगे, बाकी गवर्नमेंट का देखते हैं, हम उनसे बहाल भी करवाएंगे, हम ओपीएस को बहाल भी करवाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हम उनसे जैसे न कैसे हम अपनी सरकार से इसको बहाल जरूर करवा के हटें, एनपीएस को हटा के हमारे को ओपीएस लागू की जाए। चलो हमारा तो ऐसा है कि हम अभी तक लास्ट अंतिम समय तक भी हम गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनसे हम अपनी ओपीएस को बहाल करवा के हटेंगे।